रेट लॉ किसे कहते हैं और लॉ ऑफ मास एक्शन से ये कैसे डिफरेंट होता है। नमस्ते, मेरा नाम अंदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताइयो, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ, और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे भाई, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमने टोटल भाई तीन सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, रेट लॉ और द रेट इक्वेशन, और लास्ट में आपने क्या पढ़ना है, यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर जीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। भाई देखो आज हमारा जो टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, बोलो भाई, रेट लॉ। आपने भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी अब आपने भाई कोई इक्वेशन तैयार करनी है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई जो रेट लॉ होता है उसका लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होगा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, पहला रेट लॉ था भाई, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले कौन सा लॉ आया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। पहले आपको भाई हम यही पढ़ाएंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपली ये बोलता है, बता नहीं भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपली ये बोलता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है, किसी भी रिएक्शन जो क्या होती है रेट, वो प्रोपोर्शनल होती है उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप रेट निकाल रहे हो उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची हुई है, एक्टिविटी ऑफ दैट रिएक्टेंट, Isn't it? ये कहता है कि रेट जो होती है ये बताओ क्या होती है, सिंपली प्रोपोर्शनल होगी, बताओ किसके, कंसंट्रेशन ऑफ, मान लिया हमारे पास कोई रिएक्शन क्या है ए टू बी, मान लिया हमारे पास रिएक्शन क्या ए टू बी है, तो कहता है भाई कि जो रेट होगी ना वो सिर्फ ए की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अगर ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा, तो रेट भी क्या आएगी, ज्यादा। तो कहता है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इजंट इट, रेज टू द पावर इट्स स्टोशियोमेट्री, समझे बात भाई, यहां पर लेकिन इसका एक ही मोड है ना, तुम तो क्या बोलेंगे, ऊपर पावर क्या लगाओ भाई, वन लगाओ, लेकिन अगर यहां पर क्या होता टू ए, तब बताओ हम क्या बोलते हैं, तब बताओ रेट क्या होते हमारे पास, ए स्क्वेयर, और अगर क्या होता है थ्री होता तुम क्या बोलते, रेट क्या होती ए क्यूब, समझ के बात। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, इजंट इट। और ये कहता है अगर आपके पास एक से ज्यादा क्या हो, बोलो भाई, और ये कहता है अगर मान लिया आपके पास एक से ज्यादा क्या हो, रिएक्टेंट्स, मान लिया आपके पास भाई दो रिएक्टेंट्स हैं ए प्लस बी और सी प्लस डी बनते हैं प्रोडक्ट्स, ए प्लस बी क्या बनते हैं प्रोडक्ट्स, सी प्लस डी, ठीक है बात, और ये मानो इनकी स्टोशियोमेट्री क्या है, ए बी सी और डी, तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी ना वो जो एक्टिविटी है किसकी, ए की और बी की, उनके उके उनकी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल, और उनकी आपने पावर क्या बना देनी है, बताओ वो जो नहीं क्या है, स्टोशियोमेट्री, तुम क्या बोलेंगे, रेट यहां पर क्या आएगी, रेट यहां पर आएगी, रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू, बोलो भाई, ए की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ए एंड बी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर बी। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है ये, ठीक है, ओके, तुम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटीज, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटीज और सिंपली एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, ईच टर्म रेज टू इट्स स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। भैया तो क्या था हमारे पास, एक था, अगर हमारे पास एक क्या था, रिएक्टेंट, और एक क्या था भाई, प्रोडक्ट, तब तो क्या था मेरे पास भाई, जो रिएक्टेंट था सिंपली क्या करो, उसकी कंसंट्रेशन क्या क्या कर दो भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पावर क्या बना दो, उसका कोफिशिएंट। लेकिन अगर हमारे पास क्या एक से ज्यादा क्या है, रिएक्टेंट्स ए और बी, तब आप क्या बोलोगे कि रेट क्या होगी हमारे पास, बोलो भाई, इन दोनों की जो क्या है एक्टिविटीज या एक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेज, उनकी प्रोडक्ट के, अरे भाई यहां पर दो हो तो क्या होगी, ए और बी की क्या होगी, जो क्या होगी प्रोडक्ट, उनके क्या होगी प्रोपोर्शनल, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है
इसमें ए और बी को आपने किससे रेज करना है इनकी। तो अगर मान लो कोई रिएक्शन मेरे पास क्या हो, 2a प्लस 3b हो, क्या हो 2a प्लस 3b, तो इसमें बताइए क्या बोलेगा ये, a की स्क्वायर और b की क्यूब। अगर ये a प्लस 2b हो तो क्या होगा, a प्लस 2b, 1a प्लस 2b, तो a की पावर 1 और b की पावर 2। समझ गए बात, ये क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। और इससे आप, और ये भाई ये लॉ मैं आपको बताऊं भाई क्या बोलते हैं, और इसमें फिर आप इसमें आप क्या निकलते हो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब मैं अगर भाई आगे हम बात करें यहाँ पर किसका, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो अगर अगर एक ही क्या है हमारे पास रिएक्टेंट, तब तो रेट क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए। अगर एक से ज़्यादा है तो क्या करूँगा उनको, सिंपली भाई मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर भी आप क्या, तो ये जो अब आप जिस क्या उठाओगे इस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को, तो भाई हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं आया क्या, बताओ आपने उसको हमने क्या मान लिया के। तो रेट क्या आ जाएगी हमारे पास, रेट आर इज इक्वल टू के ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो ये बोले जो के है ना, ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट। कई बारी भाई इन्हें कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, तब भी रेट क्या है, ज्यादा मतलब होना हो भाई, और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस कांस्टेंट की। ये एक तरह से क्या बताता है, रिएक्टेंट का जो क्या है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इंटू प्रोडक्ट, उसमें कन्वर्जन की टेंडेंसी को बताता है भाई कि कितनी टेंडेंसी है, इजंट इट। अरे भाई उसके उसमें कन्वर्ट होने की क्या टेंडेंसी, किस रफ्तार से कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है। अगर कोई थोड़ी सी कंसंट्रेशन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा क्या दे रेट, अगर मान लिया हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत कम है लेकिन तब भी हमको बहुत ज़्यादा क्या मिले रेट, तो होना हो भाई उनकी उनके लिए के क्या है, ज़्यादा, मतलब उन रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्ट करके क्या बनाना प्रोडक्ट, इस बात की टेंडेंसी क्या भाई, ज़्यादा, वो उसमें स्पीड से कन्वर्ट होना चाहते हैं, इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो ध्यान रखियो, अगर किसी रिएक्शन के लिए के कम होएगा, इसका मतलब क्या है भाई, वहां पर रिएक्टेंट्स आपस में स्पीड से रिएक्ट करना नहीं चाहते भाई, रिएक्टेंट्स वहां पर रिएक्ट करना नहीं चाहते स्पीडली फास्टली। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, लेकिन अगर के क्या है बहुत ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स स्पीड से रिएक्ट करने की नहीं क्या भाई टेंडेंसी, इजंट इट। एक तरह से आप मानो भाई कि वो चाहते हैं कि वो स्पीड से क्या करें, मतलब बहुत फास्ट क्या करें रिएक्ट, तो आप कह सकते हैं ना, तो क्या होता है ये एक तरह से स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन जो होती है ना, एक तरह से उसे क्या करता है कैरेक्टराइज। तो ज़्यादा क्या हो तो हम क्या बोलते हैं भाई, फास्ट रिएक्शन, और के कम हो तो मतलब क्या भाई, स्लो रिएक्शन, इजंट इट, ठीक है। तो रेट कॉन्स्टेंट का आपको मीनिंग मालूम पड़ गया भाई, सिग्निफिकेंस और बोलो भाई, इसकी यूनिट भी आपको बताएंगे। अच्छा बताओ, अब एक बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन से भी क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं ये कहूँ, मान लिया हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन है ए टू बी, ठीक है बात, तो बोलो ए टू बी, तो ए के हमारे पास कितने मोल हैं, ए मोल, तो बताओ भाई रेट क्या है हमारे पास, रेट मेरे पास क्या आएगी, मतलब स्टोशियोमेट्रिक मोल कितने भाई, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है इसके, रेट आएगी के ए की पावर ए आएगी ना। अब अगर ए टू हो तो हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी अगर आपने ए को क्या किया डबल किया तो रेट क्या हो जाएगी, चार गुना। अगर ए आपने क्या किया भाई ट्रिपल किया तो रेट क्या हो जाएगी, नौ गुना। क्यों भाई, आप ए की जगह क्या लिखो, तीन ए लिखियो तो नया फैक्टर क्या जाएगा, तीन तिया नौ बारह जाएगा भाई, नहीं आपको ऐसा में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इस पावर को, ठीक है बात। और याद रखियो भाई, और याद रखियो, नहीं आगे आपको ये, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन से भी आप क्या निकाल सकते हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और मैं आपको, तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रिएक्शन देख के ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ मास सेक्शन से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ तो जाएगा लेकिन वो हमेशा सही नहीं आता, समझे बात। खैर चलो भाई, अभी दो बात करते हैं भाई ध्यान, क्योंकि ये यहां से जो आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालोगे ना, वो आमतौर पे क्या था भाई, ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए क्या आएगा, जो क्या होती हैं सिंगल स्टेप रिएक्शंस, उनके लिए तो क्या आता है इसका, ये सही आता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ भाई, मान लिया हमारे पास कोई रिएक्शन है, हमारे पास ये रिएक्शन है, कौन सी ए प्लस बी क्या बन गया, सी प्लस डी, ठीक है। तो बताओ इसके लिए ऑर्डर क्या आएगा मेरे पास, पहले बताओ इसके लिए हमारे पास रेट लो कैसे आएगा,
एक तो होता हमारे पास भाई रेट लॉ, किससे, लॉ ऑफ मास सेक्शन से आप क्या लिखते हो, रेट। ध्यान रखियो जब मैं बोलता हूँ ना रेट लॉ, तो रेट लॉ वास्तव में क्या होता है, वो रेट इक्वेशन जो हम एक्सपेरिमेंटल रेट से मालूम करते हैं, और जब मैं बोलता हूँ ना लॉ ऑफ मास सेक्शन, तो हम वो रेट लिखते हैं जो हम किसे वो किसे मालूम करते हैं, लॉ ऑफ मास सेक्शन से। ओके, तो क्या हमारे पास ये, तो आप लॉ ऑफ मास सेक्शन से इस रिएक्शन का रेट लिखियो भाई, मैं तो क्या आएगा के ए की पावर ए बी की पावर बी, के यहां पर क्या रेट कॉन्स्टेंट, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, बताओ क्या है हमारे पास इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर ए कितना मान लिया, एक, और बी कितना मान लिया भाई, दो, तो आपके अकॉर्डिंग ये बताओ इसका रेट क्या है हमारे पास, रेट शुड बी इक्वल टू के ए की पावर एक एंड बी की पावर दो। तो इसका ऑर्डर पता क्या होना चाहिए, दो और एक तीन, थर्ड ऑर्डर, बोलो भाई। और मैं आपको बताऊं इसका थर्ड ऑर्डर ही होता है अगर ये क्या हो, एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब ये एक सिंगल स्टेप में होती हो, क्या होती है, अगर सिंगल स्टेप में होगी ना, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन जो रेट बताएगा क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगी, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो। लेकिन अगर ये क्या है, मल्टी स्टेप रिएक्शन, क्या ये, तो ये जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, क्या हो सकता है ये, बेशक ये भाई, नहीं बात आपको पले पड़ी, तो हो सकता है भाई, कुछ बात आपको पले पड़ रही है, यानी आप जो इक्वेशन देख के आप ऑर्डर, आप रेट लो लिखते हो ना हमेशा, ठीक है, और वहां से आप ऑर्डर जो निकालते हो, इसीलिए क्या बोलते हैं भाई कि ऑर्डर हमेशा कैसे निकलता है, एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि आप थ्योरेटिकली जो ऑर्डर निकालते हो इक्वेशन देख के, वो तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ठीक होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, और बहुत कम रिएक्शंस क्या होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस, मोस्ट रिएक्शंस क्या होती हैं भाई, मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, इजंट इट। तो भाई तो अब आप ये मान लो कि आपने जब इसका एक्सपेरिमेंटली आपने क्या पता किया कि ए की आपने देखा भाई ए की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, तो ये तो क्या बोलता है, ए डबल करने पर रेट क्या होनी चाहिए, डबल, क्योंकि एक पावर है, और बी डबल करने पर रेट क्या होनी चाहिए, चार गुना। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंटली क्या पाया, मान लिया एक्सपेरिमेंटली मैंने क्या पाया कि ए डबल करने पर, क्या ए डबल करने पर रेट बदलती ही नहीं, क्योंकि मल्टी स्टेप जो मैकेनिज्म होता है, आपको क्या पता उसमें क्या हो रहा है, नहीं समझ आता आपको मैकेनिज्म, आइडिया आपको मालूम पड़ा ऐसा क्यों होता है कि मल्टी स्टेप आने पर ये ऑर्डर बदल के जाते हैं, ठीक है। अगर मान लिया क्या है हमारे पास, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन, नहीं पहले तो ये बताओ हमारे पास क्या है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, तो आप इसका ऑर्डर कैसे लिखोगे बताओ भाई, ऐसे लिखोगे ना के ए की पावर वन बी की पावर टू, यार यहां से नोट कर लिए एक और दो, ठीक है बात। और जब आप एक्सपेरिमेंटली चेक करोगे इसको, यानी आप ए क्या करो डबल करो, और तो रेट क्या हो जाएगी, डबल, और बी क्या करो आप, बोलो भाई, तो यही क्या आएगा लॉ ऑफ मास सेक्शन से, अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो यही क्या आएगा इसके लिए, लॉ ऑफ मास सेक्शन से रेट एक्सप्रेशन। और एक्सपेरिमेंटली मैंने क्या पाया कि ए डबल करने पर रेट डबल होती है, बी डबल करने पर रेट क्या होती है, क्वाड्रूपल, बोलो भाई। तो बताओ उससे भी क्या आएगा, के ए की पावर वन एंड बी की पावर टू, मतलब ये तो किससे है, लॉ ऑफ मास सेक्शन से रेट एक्सप्रेशन। मैंने सिंपली क्या बोल दिया भाई, मुझे पता है ये इवन स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी इसमें कंफ्यूजन रहता है कि लॉ ऑफ मास सेक्शन में और भाई रेट लो में क्या डिफरेंस होता है, इजंट इट, ठीक है। तो भाई मैं तो क्या है हमारे पास, ये के ए की ए इंटू बी की पावर स्क्वेयर, मेरे पास दोनों, ये तो क्या है मेरे पास, ये तो किससे आया है ये तो क्या थ्योरेटिकल रेट लो, जो किससे आया बताओ भाई, लॉ ऑफ मास सेक्शन से। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन वाला क्या बोलेगा कि ए की कंसंट्रेशन बना दो एक, और बी की बना दो दो, और बी की आप क्या बना दो भाई, दो बना दो, ठीक है। तो मेरे पास बताओ क्या जाएगा इसका, इसका ये क्या जाएगा, बोलो भाई, तो ऑर्डर क्या आएगा, दो और एक तीन ऑर्डर आया। अब मैंने एक्सपेरिमेंटली क्या पता करना है, रेट, रेट लो भाई, तो बताओ मैं क्या करूंगा, एक काम करो आप ए को डबल करके देखो, अगर ए डबल करने पर क्या हो जाए, अगर ए डबल करने पर रेट पर असर ही ना पड़े, इसका मतलब होना हो रेट क्या करती है भाई, प्रोपोर्शनल है ए की पावर जीरो पे, क्योंकि आप कंसंट्रेशन डबल करो ट्रिपल करो हमेशा यहां पर क्या रहेगा, वन, ए की पावर जीरो है, वन हो गया ना ये, तो टू ए की पावर बी क्या, टू ए की पावर जीरो क्या होगा, वो वन, थ्री ए की पावर जीरो क्या होगा, वन। तो हमको पता भाई, हमको ए की पावर जीरो लिखनी पड़ेगी, कब,
अगर एक्सपेरिमेंटली रेट बढ़ाने पर कोई असर ना पड़ता हूँ। तो मैंने क्या पाया भाई, मैंने ए की, मैंने बी को रखा फिक्स और मैंने ए की कंसंट्रेशन डबल की, ट्रिपल की, मैंने क्या पाया रेट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो होना हो रेट ए की कोरस्पॉन्डिंग कैसे है, बोलो भाई, बोलो भाई, ए की पावर जीरो के क्या प्रोपोर्शनल, इजंट इट। और मैंने एक्सपेरिमेंटली क्या पाया, बोलो भाई, नहीं चलो, अरे वन ही आया क्या भाई, अरे भाई अभी मैंने क्या माना इसको, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो लॉ ऑफ मास एक्शन ने बताया ना, वैसा ही क्या है आपके पास, एक्सपेरिमेंटल रेट लो। कैसे, मैंने बी को रखा फिक्स, मैंने बी क्या किया भाई, फिक्स किया और ए को डबल किया, ए को डबल किया तो रेट क्या होगी, डबल। ए को ट्रिपल की रेट क्या होगी, ट्रिपल। ए क्वाड्रुपल रेट क्या होगी, क्वाड्रुपल। तुम क्या बोलूंगा कि रेट क्या बताओ भाई, के ए की क्या है, एक पावर के प्रोपोर्शनल, इजंट इट। फिर मैंने ए क्या कर दिया फिक्स और बी मैंने क्या किया डबल, लेकिन मैंने ये पाया जब मैं बी डबल करता हूँ तो रेट क्या हो जाती है, चार गुना। मैं बी क्या करता हूँ भाई, ट्रिपल, तो रेट क्या हो जाएगी, नौ गुना। तो होना हो रेट बी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, बी की स्क्वायर पे भाई। तक यहाँ पर मैं क्या 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 पुट करूँ, तीन बी, तो तीन तीन नौ एक्स्ट्रा आ जाए, नौ गुना। दो बी पुट करूँ तो चार क्या आ जाए एक्स्ट्रा फैक्टर, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल क्या हो रहा है, बी डबल करने पर रेट क्या हो रही है, चार गुना, बी ट्रिपल करने पर क्या हो रही है, नौ गुना। तो होना हो भैया बी के स्क्वायर पे। तो अगर ये एलिमेंट रिएक्शन है तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने जो रेट एक्सप्रेशन किया प्रिडिक्ट, एक्सपेरिमेंटली वही क्या आएगा हमारे पास, रेट एक्सप्रेशन, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। नहीं आप पूछना भाई, तो दोनों का दोनों ही ऑर्डर क्या करेंगे प्रिडिक्ट, ऑर्डर किसको बोलते हैं, दोनों को जोड़ दो, दो और एक तीन, बोलो भाई। अच्छा एक बात और भाई, इनको बोल रहा हूं मैं ए और बी, इसे बोलता हूं अल्फा बीटा, क्यों भाई, क्योंकि ये ए और बी तो कब है, लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करते हैं, और अल्फा बीटा भाई क्योंकि अल्फा बीटा ए बी के बराबर हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसीलिए भाई जो हमारे पास रेट लॉ आता किससे, जो हमारे पास क्या था भाई, जो हमारे पास भाई रेट लॉ आएगा, रेट लॉ क्या होता है, सिंपली जो इक्वेशन जो भाई एक तरह से, अरे रेट को कंसंट्रेशन से कोरिलेट करती है, उसे क्या बोलते हैं, रेट लॉ, ठीक है। तो जो रेट लॉ किससे आया है, लॉ ऑफ मास एक्शन से, और जो क्या है एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, ये इनमें पावर क्या हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए भाई यहाँ पर क्या लिखो ए बी, और यहाँ पर क्या लिखो अल्फा बीटा, या देखो अल्फा बीटा ए बी के बराबर भी हो सकते हैं और उनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं। नहीं आ गया आपको ये, तो इस केस में दोनों क्या देंगे, तो ए प्लस बी भी क्या आएगा, तीन, और अल्फा प्लस बीटा भी क्या आएगा, तीन ही आएगा। नहीं आ गया आपको, तो ऐसे बताओ हम क्या अप्लाई करते हैं, बताओ भाई, अरे बोलो भाई, ऐसे हमारे पास क्या था ये एक्सपेरिमेंटल, अरे भाई नहीं आ गया आपको, तो लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन मैं आपको बताऊं ये इससे डिफरेंट भी आ सकते हैं, अगर ये हमारे पास क्या कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या, अब मैं ये सिर्फ ये बोल दूं कि अब की बार ये मान लो कि ये कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो अब इस रिएक्शन का लॉ ऑफ मास एक्शन तो अभी भी इसका रेट लो क्या बताएगा, के ए की पावर वन और बी की पावर टू। नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई, चलो मैं बोलता हूं कि वन ए प्लस टू बी, इनसे क्या बनता है, प्रोडक्ट, ओके। अरे बोलो भाई, अब मैं एक और रिएक्शन लिखता हूं सी प्लस डी, उससे भी क्या बनता है, बोलो वन सी प्लस टू डी, बताओ इससे भी क्या बने हमारे पास भाई, प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन मैं क्या मानता हूं भाई कि ये बताओ क्या हमारे पास एक सिंगल स्टेप रिएक्शन ही मेरे पास क्या, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो बताओ लॉ ऑफ मास, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो जो किसी ने दिया रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल वैसे ही आएगा, ए डबल करने पर रेट डबल होगी, बी डबल करने पर रेट क्या होगी, क्वाड्रुपल। लेकिन अगर मान ले क्या आएगा मल्टी स्टेप, अब की बारी वन सी प्लस टू डी, और इससे क्या बनता भाई, प्रोडक्ट। अब इसके लिए आप लिखो भाई साक्षा, बताओ इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलेगा, कि रेट क्या होनी चाहिए, के सी की पावर वन और डी की पावर टू। तो ये तो सिंपल, इसको भी क्या बोलेगा, क्या होना चाहिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन मैंने क्या पाया भाई, कि जब मैंने कंसंट्रेशन डबल की सी की, तो रेट पे कोई असर ना पड़ा, रेट पे कोई असर नहीं पड़ा भाई, क्योंकि भाई मल्टी स्टेप रिएक्शन है, इसमें पता नहीं क्या, हमें क्या पता इसमें रिएक्शन क्या होता है, हमने भाई ये क्या किया डबल,
रेट पे कोई असर ना पड़ा, सॉरी सी मैंने डबल किया रेट पे कोई असर नहीं पड़ता, सी मैंने क्या किया ट्रिपल किया क्वाड्रुपल किया, तो किस तरह का एक्सप्रेशन भी मेरे को फिट करता है कि सी डबल करूँ ट्रिपल करूँ क्वाड्रुपल करूँ रेट पे असर ना पड़े। तो रेट प्रोपोर्शनल टू सी की क्या पावर रखूँ मैं, जीरो, क्योंकि सी की पावर जीरो क्या होता है एक, आप टू सी लिखोगे यहाँ पर टू सी की पावर जीरो, टू की पावर जीरो सी की पावर जीरो तो भी क्या रहेगा एक, थ्री सी फोर सी बोलो भाई सबकी पावर जीरो सेम आंसर रहेगा मेरे पास भाई। तो इनको इंडिपेंडेंट रखने के लिए क्या चाहिएगा मुझे भाई, तो एक्सपेरिमेंटल क्या पाया मैंने कि रेट क्या होती है के सी की पावर जीरो के क्या है प्रोपोर्शनल, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई। और डी का मैंने ये पाया कि डी डबल करने पर रेट डबल होती है, क्या डी डबल करने पर रेट क्या होती है डबल होती है, डी ट्रिपल करने पर रेट क्या होती है ट्रिपल, तो मतलब होना हो कि रेट क्या हमारे पास प्रोपोर्शनल टू डी की पावर एक भाई, ताकि मैं टू डी लिखूं तो नया फैक्टर टू आए, थ्री डी लिखूं तो तीन की पावर एक नया फैक्टर आ जाए, फोर डी लिखूं डी को आप रिप्लेस करो फोर डी से तो नया फैक्टर क्या जाएगा फोर, होगी ना रेट चार गुना, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया कि इस रिएक्शन में अगर ये क्या है सिंगल स्टेप रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन, तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन बताएगा ना रेट एक्सप्रेशन वही किसका आएगा रेट लो का भाई, सॉरी एक्सपेरिमेंटल रेट लो वही आएगा जो क्या होगा लॉ ऑफ मास एक्शन से आने वाला रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल। और मैं आपको बताऊं भाई एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन को रेट लो बोलते हैं, नहीं बात आपको पहले पड़ी, और लॉ ऑफ मास एक्शन से आने वाले को उसको भाई सिंपली लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन, नहीं आएगा आपको दोनों क्या सेम आएंगे ना भाई बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने क्या यूज किया बताओ, अगर ये अब आप क्या मान लो भाई कि वन सी प्लस टू डी क्या एक मल्टी स्टेप रिएक्शन, तो आप बोले भाई ओहो फिर तो अच्छा हम तो और आसानी से क्या मालूम कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और रेट लो, बोलो भाई तो बताओ एक्स, तो बताओ लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट लो क्या आएगा, आपको सी की पावर वन डी की पावर टू है ना, तो आपके अकॉर्डिंग तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए ए प्लस बी कितना होना चाहिए तीन। लेकिन जब मैंने भाई एक्सपेरिमेंटली क्या किया सी को मैंने डबल किया सी को मैंने ट्रिपल किया सी को मैंने क्वाड्रुपल किया तो रेट पे कोई असर नहीं पड़ा भाई, रेट सेम रहती है अर्थात कि सी की क्या है जीरो पावर की पर एक्चुअल में। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि सी की पावर वन ही क्या होना चाहिए था प्रोपोर्शनल, एक्चुअल में क्या पाया सी की पावर जीरो के क्या है प्रोपोर्शनल। फिर मैंने डी की पावर क्या की बताओ, फिर मैंने क्या मैंने सी क्या किया कॉन्स्टेंट और डी को डबल किया, मैंने क्या पाया भाई रेट डबल होती है, डबल करने पर डबल होती है ट्रिपल करने पर मतलब क्या है डी की क्या है ये एक पावर के ऊपर क्या है डिपेंड करती है, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या। लेकिन ये क्या बोल रहा था कि डी के स्क्वायर पे होना चाहिए भाई, रेट की डिपेंडेंस डी के ऊपर कैसे होनी चाहिए थी डी स्क्वायर पे, मतलब डी में क्या करूं डबल तो दो दुनी चार नया फैक्टर क्या चार गुना रेट पर नीचे थी, नहीं आपको आया क्या, अरे बोलो भाई प्रवीण ठीक है। तो यहां पर हमने देखा भाई कि लॉ ऑफ मास एक्शन ने जो ये किए थे प्रिडिक्ट पावर सी और डी की वैसी पावर नहीं होती, क्या होती जीरो और एक, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलेगा बताओ कि क्या होना चाहिए हमारे पास ये क्या भाई, अरे भाई दो और एक तीन ऑर्डर आना था लेकिन एक्चुअली ऑर्डर क्या है जीरो और यानी कि वास्तव में क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर सिंपली क्या होता है कि जो पावर्स होती है ना उन पावर्स को आप जोड़ दो जस्ट, जो हमारे पास क्या होता है रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स को जोड़ दो उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से आने वाला ऑर्डर, लॉ ऑफ मास एक्शन से आने वाला ऑर्डर इसको बोलूंगा एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन में क्या बोलूंगा रेट लो, एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन में क्या बोलूंगा रेट लो, और भाई थियोरेटिकल रेट एक्सप्रेशन में क्या बोलता हूं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इससे माना इससे आने वाला ऑर्डर क्या होगा बोलो भाई, और इससे ऑर्डर क्या होंगे अगर ये क्या मल्टी स्टेप रिएक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन से आने वाला ऑर्डर क्या होगा वही होगा जो क्या होगा बोलो भाई जो एक्सपेरिमेंटली आएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन अगर क्या ये मल्टी स्टेप अगर एलिमेंट रिएक्शन है तो लॉ ऑफ मास एक्शन से आने वाला ऑर्डर वही आएगा जो क्या होगा एक्सपेरिमेंटल रेट लॉस ऑर्डर आएगा ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आएगा जो यहां पर। लेकिन अगर क्या ये मल्टी स्टेप रिएक्शन तो ये इसके सेम भी आ सकता है और डिफरेंट हो सकता है,
जैसे यहाँ पर देखो भाई, एक और दो पावर आई, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलेगा, सी की पावर एक, डी की पावर दो, लेकिन एक्चुअल में क्या आया, सी की पावर जीरो, डी की पावर एक, तो एक और दो तीन ऑर्डर ना के, जीरो प्लस एक ऑर्डर कितना आया है, एक आया भाई, ये थर्ड ऑर्डर ना क्या आई, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नहीं आना आपको ये सेम भी ऐसा तो कुछ जरूर नहीं था, मतलब यहां पर तो आएगा क्या पक्का सेम, लेकिन यहां पर क्या है ये सेम भी ऐसा हो सकता है, यहां पर क्या जाता है ये भाई, हो सकता है ये भी क्या जाता, एक और दो ही आ जाता, लेकिन भाई उसके चांसेस नहीं होते, बहुत कम होते हैं, नहीं समझे बात भाई, तो वहां पर तो क्या होगा कि एक्स, वहां पर तो क्या होगा, लॉ ऑफ मास सेक्शन से वाला आने वाला ऑर्डर और भाई रेट लॉ से आने वाला ऑर्डर बराबर होंगे, लेकिन यहां पर क्या आएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन से वाला ऑर्डर क्या होगा, बराबर हो सकता है किसके भाई, बहुत रेयर केसेस में क्या होगा, इस ऐसे भाई बहुत रेयर केसेस में क्या होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन से वाला ऑर्डर क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर के बराबर आएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी, और आपने रिपोर्ट क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, इसीलिए आप कभी भी क्वेश्चन देख के और जो ऑर्डर निकालते हो ना, ऐसे कभी रिपोर्ट नहीं करते, पता होगा ना आपको ऐसा भाई, ठीक है, क्योंकि जो ऑर्डर आएगा वो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ठीक आएगा, नहीं तो भाई वो ठीक हो भी सकता है, इजंट इट, नहीं आएगा आपको, ठीक है, ओके, इसलिए भाई तो यहां पर आप देखो, तो यहां पर भाई लॉ ऑफ मास एक्शन के एक्सप्रेशन में जो पावर्स हैं और यहां पर पावर क्या डिफरेंट है ना, तो इन्हें क्या बोलो ए बी, इन्हें क्या बोलो अल्फा बीटा, इसीलिए क्या बोलते हैं बताओ भाई, इसीलिए लॉ ऑफ मास एक्शन जो क्या प्रोवाइड करता है, रेट एक्सप्रेशन, उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर क्या लिखते हैं, बोलो भाई ए और बी, ठीक है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन, जहां पर आप बाकायदा एक की कंसंट्रेशन फिक्स करके दूसरे की कंसंट्रेशन चेंज करके आप क्या मालूम करते हो कि ऑर्डर कैसे बिहेव करता है, वहां पर आप पावर कैसे यूज करते हो, क्या भाई अल्फा, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अल्फा बीटा, ओके ठीक, नहीं आएगा आपको ये, अच्छा बताओ भाई, अच्छा एक मैं आपको बताऊं भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन की एक मॉडर्न डेफिनेशन भी होती है, ये बताओ क्या, अगर मान लिया हमारे पास क्या कोई इक्विलिब्रिया, हमारे पास क्या बताओ कोई भाई, भाई आप इसको मैं आपको बताऊं, इसको हालांकि आपको दोबारा पढ़ाई जाएगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भाई, ठीक है, अरे केमिकल इक्विलिब्रिया के अंदर आपको ये चीज़ें दोबारा पढ़ाई जाएंगी, लेकिन एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया होता है, ठीक है, इसको आप याद रखो भाई, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये लॉ ऑफ मास एक्शन की क्या होती है, एक अल्टरनेट डेफिनेशन, क्या मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है, ये बताओ क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि ए ए प्लस बी बी, अगर इससे क्या बनती कोई इक्विलिब्रियम सेटअप होती है, सी सी और डी डी, तो अगर मैंने फॉरवर्ड का रेट कॉन्स्टेंट क्या है के एफ और बैकवर्ड का रेट कॉन्स्टेंट क्या है के बी, तो इक्विलिब्रियम पे दोनों की भाई रेट बताओ क्या हो जाएगी, बराबर, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर हो जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन की रेट की, तो फॉरवर्ड की रेट बताओ क्या है हमारे पास, बताओ भाई हमारे पास फॉरवर्ड की रेट क्या है मेरे पास, के एफ ए ए और बी बी, इजंट इट, और बताओ बैकवर्ड की तो मेरे पास रेट क्या है, ये बराबर होगी के बी है ना सी सी और डी डी, बोलो भाई, तो के एफ अरे क्या होंगे आपस में बराबर होंगी, अब एक काम करो आप, अब के एफ को यहाँ रखो और के बी को यहाँ ले आओ, तो बताओ क्या है मेरे पास ये, तो और इसको साइड फेंक दो, तो के एफ बाई के बी क्या जाएगा मेरे पास, बोलो भाई सी सी डी डी डिवाइडेड बाई ए ए और बी बी, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो बोले भाई इसे क्या बोलते हैं, तो ये दोनों क्या है कॉन्स्टेंट, तो फॉरवर्ड का रेट कॉन्स्टेंट और बैकवर्ड का रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है भाई, मतलब है तो क्या ये कॉन्स्टेंट ही, क्या दो कॉन्स्टेंट नहीं होते क्या ये, तो दोनों कॉन्स्टेंट्स का रेशियो भी क्या आएगा, एक अनदर कॉन्स्टेंट के, इसे क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इसको आपने बहुत यूज किया भाई कहाँ पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, पता होगा ना आपको भाई, तो याद रखें तुम क्या बोलेंगे
कि फॉरवर्ड का रेट कॉन्स्टेंट और बैकवर्ड का रेट कॉन्स्टेंट, उनका रेशियो क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट से हम क्या बोलेंगे, इक्वली कॉन्स्टेंट, ठीक है। और उसका पैसे बोल सकते हो भाई कि इनकी, अरे बच्चों के हमारे पास क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की मल्टीप्लाई रेज टू द पावर द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स, इनका रेशियो क्या होगा, हमेशा कॉन्स्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नहीं आना आपको ये, अरे के एफ बाई के बी, कुछ बात आपको पहले पड़ी भाई, वो क्या बताऊँ, क्या पढ़ते हैं, रेट लॉ और रेट इक्वेशन। अब आपको हो गया, हमने भाई रेट लॉ हमने पढ़ तो लिया भाई, आपने आपको हो गया हमने रेट लॉ पढ़ तो लिया भाई, नहीं पढ़ा आपने रेट लॉ, अरे आपने रेट लॉ आपने पढ़ लिया ना, अरे अरे पढ़ा तो भी आपको, मैं कह रहा हूँ हमने उस, अरे हमने उसको भाई एक, अरे लॉ ऑफ मास एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ाया था ना, क्योंकि जो रेट लॉ होता है और क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, दोनों ही क्या प्रोवाइड करते हैं, देखो एक होता है एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, एक होता है थ्योरेटिकल रेट लॉ, ठीक है बात। मतलब एक तो भाई लॉ ऑफ मास एक्शन आपको कंसंट्रेशंस और रेट को कोरिलेट करवाता है, और एक आप एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हो कि रेट कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम आपको बताएं भाई एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे, रेट लॉ बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, ये तो R इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और B की पावर बीटा, क्योंकि अगर मैंने यहां पर A और B यूज कर लिए तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी मेरे पास कोई रिएक्शन है, अगर आप इसके लिए क्या लिखते हो, लॉ ऑफ मास एक्शन से आप क्या लिखते हो इसके लिए, रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा बताओ, वो आएगा A की पावर A और B की पावर B। ये तो क्या भाई कि A की पावर क्या होनी चाहिए, A और B की पावर क्या होनी चाहिए, B। अब मान ले A और B एक एक है, कितना है, एक और दो है, तो आपके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, एक और दो, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए रिएक्शन का, तीन, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली आपने क्या पाया, एक्सपेरिमेंटली हो सकता है भाई कि A की डबल करने पर कंसंट्रेशन डबल होती हो, तो डेफिनेटली क्या हो जाता भाई, तो एक्सपेरिमेंटली क्या हमारे पास, अगर एक्सपेरिमेंटली A डबल करने पर रेट डबल ही होती है तो हम क्या बोलेंगे, के ए की पावर एक और बी डबल करने पर रेट क्या होती है, चार गुना, तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। नहीं समझे बात, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोला पहले, एक और दो, और एक्सपेरिमेंटल क्या आ सकता है, एक और दो आ सकता है भाई, तो हम क्या बोलेंगे, ये तो क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन ने बताया है, सिंपली आपने स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा दिए, ठीक है। लेकिन यहां पर भाई एक्सपेरिमेंट, ये हमने कैसे मालूम किए हैं, ये वन और टू तो हमने कैसे लिखे हैं यहां पर भाई, इक्वेशन के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, लेकिन ये वन और टू मैंने कैसे लिखे, एक्सपेरिमेंटली मालूम किया मैंने भाई कि रेट कैसे बिहेव करती है विद चेंज इन कंसंट्रेशन ए, बोलो भाई। और ये मैंने कैसे मालूम किया कि बी डबल करने पर रेट क्या हो रही थी, चार गुना, तो बी की पावर क्या लिखो, टू, ताकि टू बी लिखने पर नया फैक्टर क्या आ जाए, चार आ जाए, ओके। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, दोनों के आगे बराबर, लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा दिया गया रेट का एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंटल मालूम किया गया रेट का एक्सप्रेशन, यहां पर क्या है, ए बी अल्फा बीटा वन टू वन टू, समझ गए बात। लेकिन ये हो सकता है भाई, मैंने आपको बताया था कि मान लिया ए डबल करने पर भी रेट पे असर ना पड़ता और बी डबल करने पर भी रेट पे असर ना पड़ता भाई, तो ए डबल करूं रेट पे असर ना पड़ता और बी डबल किया तब भी रेट क्या रहती सेम, तो होना हो ये ए के भी क्या है इंडिपेंडेंट और बी के भी क्या है इंडिपेंडेंट, बोलो भाई। अब आप यहां पर क्या लिखो, टू ए, पहले ए लिखो और बी लिखो, तो रेट क्या आएगी, के बराबर। अब क्या लिखो, टू ए और टू बी, तो अगर ए की पावर जीरो वन होता है तो टू ए की होल की पावर भी क्या होगा, वन ही आएगा भाई, सॉरी टू ए की होल की पावर जीरो भी क्या आएगा, वन आएगा, और टू बी होल की पावर जीरो क्या आएगा, वन आएगा, तो फिर भी क्या रहेगा हमारे पास, रेट कॉन्स्टेंट रहेगी ना हमारे पास भाई, समझे बात। तो ये अब की बारी क्या होगा हमारे पास, ए बी तो वन टू, लेकिन अल्फा बीटा क्या है, जीरो जीरो, समझ गए बात। तो ध्यान रखियो, से मल्टी स्टेप रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा दिया गया ऑर्डर सेम नहीं होता भाई, सेम नहीं हो सकता इसके एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर के, लेकिन भाई सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या होता है, दोनों से ऑर्डर क्या आएंगे,
सेम आएंगे। इसीलिए और मोस्टली रिएक्शंस क्या होती हैं, मल्टीस्टेप रिएक्शंस। तो इसीलिए आप कौन कह दो भाई ऑर्डर होता है उनका, रेट लो होता है, आपने वो एक्सपेरिमेंटली मेजर करना पड़ता है। नहीं है क्या आपको ये? ओके तो ध्यान रखियो भाई। तो बताओ क्या, तो बताओ हमारे पास तो क्या होती है हमारे पास, तो रेट लो क्या होता है, तो रेट लो या रेट क्वेश्चन क्या होती है बताओ। अरे भाई मैथमेटिकल क्वेश्चन दैट कोरिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन टर्म्स, क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ रेट कैसे बिहेव करती है। और इसको बोलो बोल के एक्सपेरिमेंटली क्या भाई, क्योंकि रेट लो तो दो हो गए हमारे पास, एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन से वाला रेट एक्सप्रेशन, एक भाई एक्सपेरिमेंटल से भाई, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं एक्सपेरिमेंटल रेट लो को तो क्या बोल देते, सिंपली रेट लो। और लॉ ऑफ मास एक्शन से वाले, लॉ ऑफ मास एक्शन से आने वाले रेट लो क्या बोल देते, लॉ ऑफ मास एक्शन ही बोल देते बस। आगे नहीं आपको, बस दिमाग को ध्यान रखियो भाई कि लॉ ऑफ मास एक्शन से जो क्या आएगा, रेट का एक्सप्रेशन, वही एक्सप्रेशन किससे आएगा, एक्सपेरिमेंटली, अगर वो क्या है एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, अगर वो क्या है मल्टी स्टेप रिएक्शन, तो भाई बहुत 99.99999% चांसेस है क्यों क्या होंगे आपस में डिफरेंट, मोस्टली चांसेस ये होंगे 99 तो भाई 99 जरूर होंगे, नहीं तो 90 पक्का होंगे कि दोनों क्या होंगे वो डिफरेंट। इसीलिए भाई अगर ए और बी पावर यूज की मैंने तो बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉ ऑफ मास एक्शन अल्फा बीटा लिख दो। आपने सिंपली लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है ना, बोलो भाई उनमें सिंपली क्या लिख दो, पावर जो क्या होती है ए स्मॉल बी स्मॉल सी, उनको सिर्फ किससे रिप्लेस कर दो, अल्फा बीटा गामा से। ओके और क्या बोल दो भाई कि अब की बार जो पावर है वो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना होके एक्सपेरिमेंटली मालूम किए गए पावर। ओके तो वही क्या होगा हमारा रेट लो। ओके और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑर्डर आपको पता ही भाई, अरे सिंपली पावर्स को जोड़ दो वो क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आ गया आपको ये? ओके बताओ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या, मेरे पास ए प्लस बी। अच्छा भाई अब जब भी मैं क्या बोलूंगा, अब मैं भाई जब भी क्या बोलूंगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अब मैं भाई लॉ ऑफ मास एक्शन का भूल जाए से, जहां कहीं सिंगल स्टेप रिएक्शन हम इस्तेमाल करेंगे ना भाई एलिमेंट रिएक्शन, वहां पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन तब भी हम रेट लो ही लिखेंगे क्योंकि भाई एलिमेंट रिएक्शंस के लिए अब आपने हर जगह इस्तेमाल क्या करना है, रेट लो। आपको कहोगे क्या सिंगल स्टेप रिएक्शन में भी, बिल्कुल, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन में भी रेट लो आए तो क्या लॉ ऑफ मास एक्शन के इक्वल नहीं आए क्या, नहीं बता आपको पहले पड़ी। ओके तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर जीरो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, कि भाई रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होंगी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो चलो कोई रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। मान लिया मैंने लिखा ए टू बी, मैंने क्या लिखा ए टू बी, कोई रिएक्शन है मेरे पास, ठीक है। अरे बोलो भाई तो ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अब कमाल की बात क्या है भाई, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसको भाई लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या बोलेगा, कम से कम फर्स्ट ऑर्डर तो बोलेगा भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलेगा इसके लिए, तो रेट लो क्या आएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलेगा, रेट लो क्या होना चाहिए, के ए की पावर वन भाई। लेकिन मैंने पाया क्या, मान लिया एक मल्टी, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन होती ना तो ऐसा ही होता, लेकिन अगर क्या मान लिया मल्टी स्टेप रिएक्शन, और एक्सपेरिमेंटली क्या पाया कि ए डबल करने पर रेट पे कोई असर ना पड़ता, नहीं बता आपको पहले पड़ी। एक्सपेरिमेंटली मैंने ये पाया भाई कि ए डबल किया मैंने रेट सेम, ए मैंने ट्रिपल किया रेट सेम, क्वाड्रुपल के रेट सेम, तुम क्या बोलेंगे कि रेट ए की किस कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, अगर कंसंट्रेशन बदलने पर रेट नहीं बदलती तो किस तरह का एक्सप्रेशन इसको जस्टिफाई करता है, ए प्रोपोर्शनल टू ए की पावर जीरो, क्योंकि ए की पावर जीरो करने पर क्या आएगा, ए डबल करियो ए की पावर जीरो क्या होता है वन, टू ए की पावर जीरो करियो वन, थ्री की पावर जीरो करियो वन, नहीं बदला ना भाई। तो होना हम अगर मैं यहां पर एक लिख दूं तो टू ए करते क्या हो जाएगा, नहीं रेट दो गुना, थ्री ए करते रेट क्या होगी तीन गुना, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली कंसंट्रेशन डबल करने पर ट्रिपल करने पर रेट पे कोई असर नहीं पड़ता
तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मैंने ए की पावर जीरो यूज करनी मस्ट है, इजंट इट? ठीक है, तो बताओ रेट, तो क्या है? अब इसको उठाइयो, तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, तो आर इज इक्वल टू के ए नॉट, ये मेरे पास क्या है जीरो, अरे भाई ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या आ जाएगा मेरे पास, के ए की पावर जीरो आ गया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ ए की पावर जीरो क्या होता है, वन, तो आर क्या आ गया के, यानी के क्या होगा यहां पर, यानी रेट कांस्टेंट यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर, और कांस्टेंट होता भाई, तो रेट हमेशा यहां पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अच्छा मुझे दो भाई, अब के की आपने मालूम क्या करनी, यूनिट्स, जो के आर के बराबर है तो जो आर की यूनिट होगी वही क्या होंगी भाई, जो हमारे पास आर की यूनिट होगी वही हमारे पास क्या होंगी, के की यूनिट, तो आर की यूनिट क्या होती है मेरे पास, मोल पर लीटर पर सेकंड, चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम टेकन भाई, तो क्या होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, तो के की यूनिट मेरे पास क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये भी सबसे सिंपल तरीका होता है क्या मालूम करने का, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट मालूम करने के दो रूट होते हैं, एक तो होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ से, किसे भाई, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और एक क्या होता है भाई, जो सिंपल रेट लॉ होता है, क्या सिंपल रेट लॉ। ठीक है, तो यहां से आपने अभी हम के की यूनिट्स कैसे मालूम कर रहे हैं, सिंपल रेट लॉ से, नहीं आ गया आपको सुमित, आ गया, तो बताओ क्या इसकी, क्या इसकी यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब आप कोई मानो भाई, अब आप कोई और रिएक्शन मान लो ए टू बी, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसके लिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर आ गया, अब क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसिडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पर देखो भाई, यहां पर कई बार लॉ ऑफ मास एक्शन का तुक्का भी लग जाता है क्या भाई, नहीं बताओ आपको पहले पढ़ रही है, अरे भाई ए टू बी बताओ क्या है मेरे पास, अरे बोलो बताओ हम क्या बोलेंगे, मान लो भाई यहां पर, चलो अरे भाई मैं एक्सपेरिमेंटली बोलते हैं, अब मैं लॉ ऑफ मास एक्शन से नहीं लिखूंगा रेट, ठीक है बात, चाहे सिंगल चाहे मल्टी स्टेप रिएक्शन, ओके। हमने ये पाया कि ए डबल करने पर रेट क्या होती है, डबल, ए ट्रिपल करने पर रेट क्या होती है, ट्रिपल, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई है, फर्स्ट ऑर्डर। तो किस तरह का एक्सप्रेशन इसको फिट कर सकता है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर वन, क्योंकि यहां पर आप क्या लिखो, अगर ए डबल करने पर एक्सपेरिमेंटली रेट डबल होती है, तो टू ए लिखने पर ये फॉर्मूला भी आंसर क्या कर देगा, डबल, थ्री ए लिखने पर ये फॉर्मूला भी आंसर क्या कर देगा, रेट को ट्रिपल, नहीं आएगा आपको, तो ए की पावर क्या लिखो वन, तो क्या मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर भाई, रेट लो लिखो, एक्सपेरिमेंटल रेट लो लिखो पहले इसके लिए, वो तो क्या आएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटल रेट लो क्या आएगा, रेट विल बी इक्वल टू के ए, क्या आएगा भाई, के ए। अब आपने के की यूनिट निकालनी है, अब वो तो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू के, और ए की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, के की यूनिट आपके उसके बच्ची बताओ पर सेकेंड, इजंट इट? तो यहां से आप इजीली भाई के की यूनिट मालूम कर सकते हो, इजंट इट? अरे बोलो भाई, ठीक है, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, फिर क्या बना भाई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या भाई। अच्छा यहां पर मैंने भाई टू ए लिखा हुआ है सिर्फ, क्यों, ताकि भाई लॉ ऑफ मास एक्शन से वाला रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाए, अरे सेम हो जाएगा इसके, नहीं तो आप 2a लिखो, चाहे आप ये लिख लो a टू b, ये भी क्या हो सकती है सेकंड ऑर्डर, लेकिन मैंने 2a क्यों लिखा है, ताकि भाई अरे अगर मैं a टू b लिखूंगा, मैंने पता नहीं क्या है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मान लिया मैंने क्या लिखा भाई a टू b लिखा है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या बोलेगा कि रेट क्या होगी, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलेगा कि रेट क्या होगी, के ए की पावर एक, लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या पाया मैंने कि ए डबल करने पर रेट क्या होती है, डबल नहीं सॉरी क्वाड्रुपल, मान लिया एक्सपेरिमेंटल क्या पाया कि ए डबल करने पर रेट क्या होती है क्वाड्रुपल, ए ट्रिपल करने पर रेट क्या होती है नाइन टाइम्स, तो कौन सा फॉर्मूला इसको फिट करेगा बताओ भाई, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर स्क्वेयर, क्योंकि यहां पर क्या हुआ भाई एक्सपेरिमेंटल क्या पाया कि ए डबल करने पर रेट क्या हुई है, डबल,
अरे बोलो भाई, नहीं सॉरी, ए डबल कंप्लीट क्या हुई है 4 टाइम्स और ट्रिपल कंप्लीट क्या हुई है 9 टाइम्स। तो ये फॉर्मूला इसको फिट करेगा इस बात को। क्यों भाई? क्योंकि इसमें आप एक काम करो, ए को एक एक ए आप क्या लिखो 2a, तो नया फैक्टर क्या आएगा 2 × 2 = 4 हो गया 4 गुना भाई, 3 लिखियो 3 × 3 = 9 हो गया 9 गुना भाई। यानी अगर एक्सपेरिमेंटली रेट डबल होती, सॉरी 4 टाइम्स होती है ए डबल करने पर और 9 टाइम्स होती है ट्रिपल करने पर, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे भी नहीं करता क्या? यहाँ पर 2a लिखती क्या होता है 4 टाइम्स, 3 लिखती है यहाँ पर क्या आएगा 9 टाइम्स फिट जाएगा फॉर्मूला। नहीं समझे बात? तो इस तरीके भी बिल्कुल, तो आपने क्या देखा भाई कि एक्सपेरिमेंटल रेट लो तो देगा फॉर्मूला, ये एक्सपेरिमेंटल रेट लो ये आएगा, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट क्या आएगी, ये आएगी ना। हालांकि हमने यूज क्या करनी है, तो बेटर क्या आप 2a लिख लो, बोलो भाई ताकि क्या हो जाए। अब इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन भी क्या लिखेगा, के ए स्क्वेयर। अब समझो मेरी बात, तो यूजुअली आप देखोगे कि जब उनको एक तो ये बोल देते हैं कि ऑर्डर कभी कहाँ से निकलता, ठीक है शक्ल देख के क्वेश्चन की भाई, ऐसे बोलते हैं ना कि ऑर्डर कभी कैसे निकलता, इक्वेशन की शक्ल देख के कोफिशियंट जोड़ के कैसे क्या निकालते हैं हम कभी ऑर्डर, उसके लिए अलग से मेथड आएंगे आगे, ठीक है। लेकिन तब भी जब आप क्या पढ़ते हो, फिर भी आप जब कोई कभी कोई रिएक्शन पढ़ते हो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर भाई, तो आप सेकंड ऑर्डर को 2 ही रख देते इजंट इट, और थर्ड ऑर्डर को भाई 3a2 प्रोडक्ट। वो क्यों होता था कि भाई आपको कन्फ्यू, आपको थोड़ा हाँ भाई आसानी रहे समझने में कि भाई, क्योंकि आप लॉ ऑफ मास एक्शन से अगर बना भी लो क्या रेट एक्सप्रेशन, तो वो आपको सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर आपको नजर आए, वो नहीं आएगा आपको, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है नहीं आना आपको ये। अरे बोलो भाई आ गया आपको ये? चलो छोड़ो भाई, मैं तो इसको, चलो मैं इसको a2b लिख लूँ सबको, क्या a2b, और मैं सिर्फ मतलब क्या लिखूँ भाई, हम क्या लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल रेट लो, यानी यहाँ पर ए डबल करने पर रेट क्या रखी है 4 टाइम्स, तो रेट ये आ गया मेरे पास भाई के ए, ए ट्रिपल करने पर रेट क्या आई 9 टाइम्स, तो ये आ गया। अब बताओ यहाँ पर भाई आप के का क्या निकालो यूनिट कैसे आएगी बताओ भाई, तो ये रेट क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, और के और ए क्या होती है कंसंट्रेशन क्या होती है भैया, लेकिन क्या है स्क्वेयर नहीं है, तो क्या मोल स्क्वेयर पर लीटर स्क्वेयर, मोल पर लीटर भाई मोल स्क्वेयर पर लीटर स्क्वेयर, तो क्या आ गया मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, एक इसको सिर्फ फेंक यू, वो तो क्या है मेरे पास लीटर पर मोल पर सेकेंड, यहाँ क्या तो के की यूनिट यहाँ पर क्या है मेरे पास लीटर पर मोल पर सेकेंड, ही मैंने सिंपल रेट लो से क्या कर लिया भाई मालूम कर लिया, आ गया नहीं आपको। अब बताओ मैं उसके भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ताकि आप अगर लॉ ऑफ मास एक्शन से भी क्या लिखो, ऐसे क्यों लिखते हैं भाई बुक्स में कि भाई अगर आप 3a2b क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप मैं अगर ए टू बी लिखूं और मैं क्या बोल दूं क्या ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं भाई, आप इजीली ऐसे इसको लिख सकते हो ए टू बी और क्या बोलो थर्ड ऑर्डर भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, क्योंकि क्या हो सकती है मल्टी स्टेप रिएक्शन, और भाई मल्टी स्टेप रिएक्शन में आपको क्या पता भाई ए कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रहा है, किस किस स्टेप के अंदर ए कंज्यूम हो रहा है, नहीं आएगा आपको, लेकिन फिर भी ऐसे क्यों लिखते हो भाई इसको, ताकि आप अगर लॉ ऑफ मास एक्शन से भी अगर बनाना चाहो ना तो आंसर आपका सेम आ जाए, सेम क्या बन जाए एक्सपेरिमेंटल सॉरी एक्सप्रेशन रेट का, नहीं आएगा आपको। तो चलो मैंने क्या लिखा आपके बार, अब मैं बोलता हूँ कि ए टू बी हमारे पास क्या है को, मैं 3a2b लिख रहा हूँ, मैं क्या ए टू बी बताओ क्या हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये मेरे पास क्या है कोई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो बताओ इसके लिए भाई आप रेट कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन निकालो, बताओ कैसे आएगा थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, बताओ क्या होता है थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बोलो भाई अगर रेट डबल करने पर क्या हो जाए, सॉरी अगर ए की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट क्या हो जाए 8 गुना, तो कौन सा फॉर्मूला इसको फिट करेगा, रेट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर, जब तक आप 3 नहीं लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा भाई, एक्सपेरिमेंटल भी मेरे को कौन सा फॉर्मूला फिट करेगा ए की पावर 3 वाला, क्यों भाई अगर मैंने यहाँ पर 2 लिखा और मैं यहाँ पर क्या लिखा स्क्वेयर लिखा, तो यहाँ पर ए को 2a से रिप्लेस करते ही तो 2a ना फैक्टर क्या 2 × 2 = 4, लेकिन वही रेट क्या होती है वास्तव में, a डबल किया रेट क्या होगी 8 गुना, ट्रिपल किया 27 गुना होती भाई, तो इसे कौन सा बिहेवियर इसको फिट करेगा, कौन सा फॉर्मूला a की पावर 3 वाला, हम क्या बोलेंगे कि रेट इज इक्वल टू के a की पावर 3 आ गया मेरे पास भाई, क्योंकि अब आप यहाँ पर क्या करो a क्या लिखो 2a, तो नया फैक्टर क्या आएगा
दो दुनी चार दुनी आठ हो गया ना, आठ हो ना भाई। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, ए डबल किया रेट आठ होती है, ए ट्रिपल किया रेट क्या होता है 27 गुना। और ये फॉर्मूला भी क्या बोल रहा है, ए क्या करो 2A 8 गुना 3A 27 गुना, है ना भाई। तो क्या ये फॉर्मूला इस तरह के एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर के लिए सूटेबल है कि नहीं है, सूटेबल है पूजा? ओके तो बताओ भाई, अब आपने निकालना यहाँ पर क्या है, यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। बताओ कैसे आएगी हमारे पास आर की, बताओ यूनिट क्या है हमारे पास, मोल पर लीटर पर सेकंड, इसी कहेंगी। बोलो भाई हम क्या बोलेंगे, मोल क्यूब पर लीटर क्यूब। अरे बोलो भाई, अब हो गया तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर एक ही कैंसिल हो गया भाई। तो क्या है, तो क्या है मेरे पास, ये लीटर स्क्वेयर पर मोल स्क्वेयर साइड फेंक दो, लीटर स्क्वेयर पर मोल स्क्वेयर पर सेकंड क्या आएगी, के की यूनिट। नहीं आएगा आपको, मेरे ख्याल से आपको भाई रेट लो लॉ ऑफ मास एक्शन ये सारी बातें आपको पले पड़ गई है ना कि नहीं आया है। अरे बताओ भाई, अब बताओ द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, बताओ भाई बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होएंगी, सिंपल फॉर्मूले से बताओ व्हाट शुड इट बी। बताओ हम क्या बोलेंगे, क्या भाई, अरे भाई हम क्या बोलेंगे, रेट क्या होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सपेरिमेंटल रेट लो या रेट लो क्या होता है, ठीक है मोल सॉरी अरे के ए की पावर 1 होता होगा, तो ये क्या होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये क्या होता है के, और ये क्या होता है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर क्या है, क्या यूनिट पर सेकंड। तो कौन सा आंसर आया मेरे पास, सी। नहीं आना आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।